भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कई थानों के थाना प्रभारी के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर संयुक्त बैठक किया। वहीं बैठक के दौरान डीएसपी गौरव कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने मीडिया को बताया कि बैठक में भूमि विवाद का निपटारा, फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। साथ ही श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर बाहर से आने वाले कवाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे व जगह जगह पुलिस बल की तैनाती को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसी क्राइम मीटिंग जो है हमारे ऑफिस में होता है कार्यालय, डीएसपी कार्यालय में, लेकिन आज सुल्तानगंज थाना परिसर में ये क्राइम मीटिंग किया गया है। और इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट जो थाना है हमारे अनुमंडल के, वहाँ पे क्राइम मीटिंग किया जाएगा। और तो इसमें आज जो क्राइम मीटिंग हुआ है उसमें मुख्यतः जो चीज़ों के ऊपर आज जो मीटिंग हुआ है वो कांड के निष्पादन के ऊपर है कि केस डिस्पोजल के जितना प्रतिवेदित है कितना डिस्पोजल है, और देखा गया है कि जो डिस्पोजल है वो प्रतिवेदित से ज़्यादा है। और कुछ जो गंभीर हेड में है, जो कि दिशा निर्देश है मुख्यालय का, गंभीर हेड में केसेस में गिरफ्तारी की समीक्षा की गई है। और जो अभी गश्ती पंजी के बारे में जो चर्चा है, अभी गश्ती पंजी और गश्ती रूट चार्ट उसके बारे में भी, वो प्रभावी ढंग से कैसे गश्ती जो है वो काम करे उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। ऐसी क्राइम मीटिंग जो है हमारे ऑफिस में होता है।